हाँ बेटा, वन मोर टॉपिक टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस. द टॉपिक इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. क्लास एट्थ का ये चैप्टर नंबर 11 है. सबसे पहले हम जानेंगे ये एक्सपोनेंट क्या होता है. यानी भाई, ये तो इस चैप्टर का पहला लेक्चर है. तो आज मैं आपको यहां क्लियर करूं कि ये जो एक्सपोनेंट है, यानी हाउ वी डिफाइन एन एक्सपोनेंट. यस, अगर हमारे पास होगा बेटा, यानी टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, सिंपली यानी ये जो टू है इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, मगर कितने बार मल्टीप्लाई किया बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 बार मल्टीप्लाई किया. यानी इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 raised to power 5. 2 और इसके पावर में हम क्या रखेंगे बेटा? 5. ये जो 2 है, यानी बेटा ये जो 2 है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेटा कहते हैं बेस. ये जो 2 होता है, यानी इन दिस केस वी कॉल 2 इट इज बेस, एंड दिस 5 इसको हम कहते हैं बेटा पावर, या कहते हैं एक्सपोनेंट, या कहते हैं बेटा एक्सपोनेंट, या कहते हैं बेटा इसको हम इंडेक्स. यानी ये जो 5, यानी 2 इज नोन एज बेस, 5 को हम कहते हैं पावर, या बेटा कहते हैं एक्सपोनेंट, या कहते हैं बेटा हम इंडेक्स इसको. नाउ वन मोर पॉइंट, यानी यहां मैंने आपको क्लियर किया कि ये जो बेस है, बेस किससे कहते हैं और पावर किससे कहते हैं, या इस पावर का ही दूसरा नाम है बेटा एक्सपोनेंट. या अगर हम ऐसे लेंगे x into x into x into --n times, यस बेटा, यानी अगर आप यहां देखोगे या ऑब्जर्व करोगे तो x को हमने मल्टीप्लाई किया, कितने बार मल्टीप्लाई किया बेटा? इसको हमने n बार मल्टीप्लाई किया, यानी x raised to power n. इसको हम पढ़ते बेटा x raised to power n. तो यहां जो ये x है, ये x तो बेटा क्या है? दिस इज बेस. ये n क्या है बेटा? ये तो पावर है, या हम इससे कहते हैं भाई इंडेक्स. यस, या हम इससे इंडेक्स भी कहते हैं, या सिंपली इससे हम कहते हैं एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट भी बेटा इससे हम कहते हैं. नाउ ये जो फॉर्म है, यानी अगर हम ऐसे लिखेंगे 2 raised to power 4, इससे हम कहते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या पढ़ेंगे बेटा आप इसको सिंपली एक्सपोनेंशियल फॉर्म. नाउ ये तो मैंने वो वाला केस पढ़ाया, यानी जब पावर, जब बेस का पावर पॉजिटिव होता है. नाउ विल टेक वन मोर केस व्हेन पावर इज नॉट पॉजिटिव. यानी इफ यू हैव ए नंबर 10 square, या 10 raised to power 1, एंड वी हैव अनदर नंबर 10 raised to power -1. We have 10 square and we have 10 raised to power minus 2. We have 10 cube and we have 10 raised to power minus 3. Yes. अगर आप यहां ऑब्जर्व करोगे तो सिंपली इट इज इक्वल टू 10. बट वेन वी टेक द पावर 2, देन वॉट इज इट्स मीनिंग? इट्स मीनिंग इज 10 को बेटा मल्टीप्लाई करना है 2 बार, यानी 10 into 10. Yes. 10 into 10, it becomes 100. अगर आप ये देखोगे 10 cube, then its meaning is 10 is multiplied how many times? 3 times. What it becomes? It becomes 1000. मगर जब इसकी बारी आई, यानी बेटा 10 raised to power -1, क्या इसकी मीनिंग भी है कि that it is equal to 10? No. या क्या इसकी मीनिंग है 10 को मल्टीप्लाई करना है -2 times? नो.
यानी ये हमने कभी नहीं सुना है कि 10 स्क्वायर तो है, यानी 10 को मल्टीप्लाई करना है दो बार, मगर ये नहीं कि 10 को मल्टीप्लाई करना है माइनस दो बार, नो। देन ये जो मसला है, ये जो मसला, इसको हम बेटा कैसे सिंपलीफाई करेंगे, कोई ना कोई जवाब तो होगा। तो यहां क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बेटा इसको, यानी जब भी आप देखोगे कि बेस का पावर, यानी व्हेन यू फाइंड द पावर ऑफ बेस इज नेगेटिव टू सिंपलीफाई द गिवन नंबर, व्हेन द पावर इज नेगेटिव, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा इस, यानी ये आएगा डिनोमिनेटर में मगर भी पावर पॉजिटिव, सेम इज द केस हियर। तो ये क्या बनेगा बेटा, इट बिकम्स 1/10 स्क्वायर, ये क्या बनेगा, ए बनेगा बेटा 1/10 क्यूब, देन ऑब्वियसली इट इज 1/10, इट इज 1/100, इट इज 1/1000, यस, यानी बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया 1/1000। इफ यू हैव वन मोर नंबर 2^-4, then you have to simplify it, then how can you simplify this, तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी base का power negative, तो उसको positive बनाने के लिए क्या करना है, उसको denominator में लाना है, तो ये हम क्या लिखेंगे, 1/2^4, what it becomes beta 1/16, then we got one more point, what is the point, if we check this 10^1, that is equal to 10. But when we check 10^-10, it is equal to 1/10. Kya? Jab hum is 10 aur 1/10 ko dekhenge. Yani, isko check karo, ye dikhai deta hai ki nahi? Yani, 1/10 aur ye jo 10 hai, these are reciprocal to each other. Or, in short, we can say, कि ये जो 10^-1 है, या हम ऐसे भी कहेंगे ये जो 10^-1 है, ये क्या है, ये 10^-1 का है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी बेटा ये क्या है, ये इसका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देन इन शॉर्ट व्हाट वी गेट दैट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए, यानी For any non-zero integer a, बेटा ये कोई non-zero integer, non-zero means it is not equal to zero. Then we can say that a raised to power minus m equals to 1/a^m. Yes, यानी इस पॉइंट को आपको अपने माइंड में रखना है, ताकि जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें ये बेटा ये काम आएगा। Now वन मोर पॉइंट जो आपको बेटा पढ़ना है, व्हाट इज अ पॉइंट, यानी सेकंड पॉइंट इज, अगर अब आपके पास होगा, यानी बेटा 2^3 × 2^4, यस, इफ यू चेक हियर हाउ कैन वी सिंपलीफाई दिस, सिंपल पॉइंट, इन दिस केस there's multiplication, when in multiplication when bases are same to powers ka kya hota hai, unka hota hai beta add, yani it becomes 2^3 + 4, it becomes 2^7, yani beta ye kya ban gaya, ye ban gaya ki yani in multiplication when bases are same, yani agar aap yahan check karoge there's a sign of into and bases are same, to ye jo क्या होता है बेटा, यानी ये जो पावर्स होते हैं उनका क्या होता है, उनका होता है बेटा एड। या वन मोर पॉइंट, 2^-4 × 2^-2, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, इसको सिंपलीफाई करना है, तो कैसे सिंपलीफाई करोगी, मैंने अभी बताया बेसिस आर सेम, जब भी बेसिस क्या होगी, सेम होगी, तो पावर्स का बेटा क्या होता है, इन पावर्स का होता है एड, ये क्या बनेगा, ए बनेगा -4 + -2, तो ये क्या बनेगा 2^-4 - 2, ये क्या बनेगा 2^-6। हाँ, अभी मैंने आपको एक लॉ पढ़ाया, कौन सा लॉ, यानी a raised power, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर
a raised power minus a, इसको हम लिख सकते हैं बेटा a raised 1 upon a raised power m. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised power 1 upon 2 raised power 6. मगर कैसे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि for any non-zero integer a raised power minus m equals to 1 upon a raised power m. Yes. एक और पॉइंट जो आपको सीखना है बेटा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे उसमें ये काम आएगा. वन मोर पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट इज बेटा अगर होगा आपके पास 2 रेज्ड पावर 4 डिवाइड बाय 2 रेज्ड पावर 2. यस, यहां क्या करोगे, यानी यहां क्या करेंगे हम, सिंपल बेसिस आर सेम बट साइन इज, यानी बेटा इफ यू चेक द साइन, कौन सी साइन है बीच में, यानी डिवीजन की साइन. इन डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम तो पावर्स का क्या होता है, उनका होता है बेटा सब्ट्रैक्शन, यानी बेस दोनों बेस के बाद क्या करना है, एक ही बेस लिखनी है, वी हैव टू राइट ओनली वन बेस, बट ये जो पावर्स होते हैं उनका क्या करना है बेटा, उनका सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 4 माइनस 2 इट बिकम्स 2 रेज्ड टू पावर 2. हां बेटा एक और लॉ जो आपको पढ़ना है, अगर कभी होगा 2 रेज्ड टू पावर 5 4 रेज्ड टू पावर 2 तो यहां क्या करोगी, यहां क्या करना है, कीप इन माइंड, यानी जब पावर के ऊपर पावर होगा तो करना क्या है, पावर्स को करना है इनटू, यानी ये क्या बनेगा 2 रेज्ड टू पावर 10. यानी दिस इज वन मोर पॉइंट इज अगर अब होगा 2 अपॉन 5 होल रेज्ड पावर 5 तो यहां क्या करना है, या इसी तरह अगर भी बेटा होगा 2 इनटू 3 होल रेज्ड पावर 5 तो यहां क्या करोगी, अगर आप चेक करोगे कि यहां क्या करना है बेटा, सिंपली ये जो पावर है पावर हम अलग अलग देंगे, पावर हम अलग अलग देंगे, यानी 2 रेज्ड टू पावर 5 अपॉन 5 रेज्ड टू पावर 5. इसी तरह यहां जब इनटू होगा, यानी जब बीच में इनटू की साइन होगी तो करेंगे क्या, यानी इस 2 को अलग पावर देंगे, ये बनेगा 2 रेज्ड टू पावर 5 इनटू 3 रेज्ड टू पावर 5. यस बेटा, तो ये जो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए इनके पीछे भी यानी कुछ लॉजिक है, यानी इनके पीछे इनमें हम कुछ लॉज बेटा यूज करते हैं जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉज ऑफ क्या, एक्सपोनेंट्स. वो क्या है बेटा, सबसे पहला लॉ क्या है बेटा यहां, यानी इन जनरल हम क्या कहेंगे, फॉर एनी या इसी तरह बेटा अगर होगा आपके पास 5 रेज्ड पावर 0 2 रेज्ड पावर 0 माइनस 9 रेज्ड पावर 0 हमेशा याद रखना, व्हेन यू हैव गिवन ए नंबर बट अनलेस 0 0 0 नहीं, यानी कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर आपके पास होगा तो उसके पावर में होगा क्या, 0. तो ये किसके बराबर होता है बेटा, इट इज इक्वल टू 1. सेम यानी 2 रेज्ड पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 9 रेज्ड पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1. तो एक क्वेश्चन यहां होता है बेटा, वाई सर दिस इज इक्वल टू 0. मान लीजिए आपके पास बेटा हुआ एक्स रेज्ड पावर 0 वाई दिस इज इक्वल टू 1. बट कीप इन माइंड बेटा ये जो क्या होता है, यानी ये जो ए है, ये जो ए है दिस इज नॉन जीरो. यानी ऐसे नहीं कह रहे कि 0 रेज्ड पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1. नो, इट इज रॉन्ग. इट इज दीज आर कॉल्ड अनडिफाइंड टर्म्स. यानी ये बेटा क्या है, ये तो अनडिफाइंड है, इसका वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है ये किसके बराबर है. सो हम क्या कहेंगे, 0 रेज्ड पावर 0 दिस इज नॉट इक्वल टू 1. तो मैंने आपको बताया व्हाई इफ वी टेक एनी रियल नंबर और किसी भी रियल नंबर के का पावर जब भी क्या होगा, 0 दिस इज इक्वल टू 1 बट अनलेस 0. यानी ये नहीं कि 0 रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1. नो, तो आपका क्वेश्चन होगा सर व्हाई दिस इज इक्वल टू 1. बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज्ड पावर 1 माइनस 1. यस, क्योंकि 1 माइनस 1 दैट इज 0. ये क्या बनेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी बेसिस आर सेम, ये बनेगा पावर्स आर एडेड, ये बनेगा 1 रेज्ड 1 माइनस 1. तो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज्ड पावर 1. तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अभी मैंने एक रूल आपको पढ़ाया, ये क्या बनेगा 1, दिस एंड दिस विल कैंसिल, व्हाट वी गेट 1. सो यानी कोई भी नंबर अगर आप लोगे बट
एक्सेप्ट जीरो, तो उसके पावर में होगा क्या, जीरो. बट दिस इज नॉट ट्रू. व्हेन यू टेक जीरो रेज टू पावर जीरो, दिस इज इक्वल टू वन. नो, इट इज अनडिफाइंड. इसका वैल्यू तो हमें पता नहीं है. तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है, कुछ लॉज जो मैंने आपके साथ बेटा डिस्कस किए, कि कुछ सम इंपॉर्टेंट लॉज. हाँ, फर्स्ट लॉ मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया ए रेज टू पावर माइनस एम इक्वल्स टू वन अपॉन ए रेज टू पावर एम. बट कीप इन माइंड, ये जो ए है दिस इज नॉन जीरो. यानी बेटा ये जो ए है, ये ए क्या होता है बेटा, दिस इज नॉन जीरो इंटीजर. यस, ये तो मैंने पहला लॉ पढ़ाया. फिर मैंने पढ़ा ऐसे भी बेटा, ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन. यानी ये किसके बराबर होता है बेटा, हाँ, ए रेज टू पावर एम प्लस एन. यानी ये एम और एन जो है, दीज आर बेटा पॉजिटिव, दीज आर इंटीजर्स. मगर ए जो है, मैंने आपको अभी बताया, ये ए जो है, दीज आर, दिस इज नॉन जीरो इंटीजर. ये भी मैंने एक लॉ पढ़ाया. इसी तरह वन मोर पॉइंट, दैट इज ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाई ए रेज टू पावर एन, बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड. वन मोर पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो. या एक और चीज मैंने पढ़ाया, ए रेज टू पावर जीरो, दिस इज इक्वल टू वन. बट कीप इन माइंड, ए इज नॉट इक्वल टू, वो तो मैंने बेटा पहले ही बताया कि ए जो है, दिस इज नॉन जीरो इंटीजर. एक और पॉइंट मैंने पढ़ाया, अगर होगा ए अपॉन बी, ये दिखाई देते बेटा, यस सर, दिस इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम अपॉन बी रेज टू पावर एम. इसी तरह एक और चीज मैंने पढ़ाया, ए इंटू बी होल रेज टू पावर एम, दिस इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एम. यानी दीज आर सम इंपॉर्टेंट लॉज जो कि हमें बेटा एक्सरसाइज में यानी यूज करने हैं. तो ये तो आपके लिए जरूरी है. तो अगले वाले लेक्चर में आपके साथ इंशाल्लाह एक्सरसाइज डिस्कस करूं. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.